ब्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा दीवा थाने में गड्ढों को लेकर पहले कांग्रेस ने आंदोलन किया और अब गड्ढों पर ही दीवा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। सिर्फ आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं मगर गड्ढे अभी भी वैसे के ही वैसे हैं, जो खुलेआम मौत को दावत दे रहे हैं। हम आपको मुंब्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। रीति बंदर की तरफ से बाईपास की शुरुआत होने से पहले ही यहाँ पर गड्ढों की भरमार है। इन गड्ढों से होकर हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। कई बार इन गड्ढों की वजह से लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको ये गड्ढा दिखाते हैं कि बीच सड़क पर ये गड्ढा हुआ है, कभी भी बाइक सवार इस गड्ढे का शिकार हो सकता है। और अब ऐसा लगता है कि गड्ढों पर भी राजनीति पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं। पहले कांग्रेस ने आंदोलन किया, उसके बाद अब दीवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गड्ढों को लेकर आंदोलन किया, यानी कि गड्ढों को लेकर राजनीति भी खूब चमक रही है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी गड्ढों पर आंदोलन कर रही है। दीवा में भी इसी तरह गड्ढों का भरमार है। इसी मुद्दे पर दीवा में बीजेपी ठाणे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे के मार्गदर्शन में सचिन भोईर, अर्चना पाटिल, कमलाकर पाटिल, चंद्रकांत मोरे, कपिल रोडे, कल्पेश सारस्वत, विपिन दुबे, राजेश सिंह और भी भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गड्ढों के मुद्दे पर हल्ला बोल आंदोलन किया। जल्द ही गड्ढों को भरा जाए, ऐसी इनकी मांग है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर गड्ढों को नहीं भरा गया तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।